एसडीएम ज्योति मौर्या के मामले से डरकर पति ने रोक दी पढ़ाई। पति ने बंद करवाई पढ़ाई तो पत्नी पहुंच गई थाने, कहा मैं ज्योति नहीं बनूंगी। डरे पतियों ने प्रयागराज से तैयारी कर रही 135 पत्नियों को बुलाया वापस। एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर पोस्ट, कमेंट, मीम्स और रील्स की बाढ़ सी आ गई है। दावा किया जा रहा है कि अब कोचिंगों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पत्नियों को उनके पति वापस बुला रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो ये भी दावा किया जा रहा है कि कोचिंग संस्थानों के हब यानी प्रयागराज, इलाहाबाद से करीब 135 शादीशुदा लड़कियों के उनकी पढ़ाई छुड़वा कर वापस बुला लिया गया है। बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद की पूरे देश में चर्चा हो रही है। बिहार के बक्सर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बिहार के बक्सर में पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि एसडीएम ज्योति मौर्या की घटना से डरकर पति ने उसे अब आगे की पढ़ाई कराने से इनकार कर दिया है। और आज अगर पीछे हट जाए तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहां देखिए यही न्यूज चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहे, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं है, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं आगे का मन मति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले? बड़ा बाबू बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे ही तैयारी करती थी आप बीपीएससी का? बीपीएससी शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया? जी जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था बीपीएससी। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही और अभी फिर लक्ष्य है, ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी। और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर जो चालू होने वाला है, तो बोल रहे हैं कि नहीं अब हम इसमें सक्षम नहीं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमार। गांव का नाम? चौंगाई। अपनी शिकायत को लेकर महिला थाने पहुंच गई। शिकायत सुनकर पुलिस वाले भी असमंजस में पड़ गए। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, इसमें पुलिस उसकी मदद करे। हालांकि पति पिंटू ने कहा कि वह पत्नी की पढ़ाई कराने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वह पेट्रोल पंप पर काम करता है। पिंटू ने कहा कि मुझे 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, इसी में मैं अपने पत्नी को ग्रेजुएशन और पीजी करवाया। आगे की पढ़ाई जारी थी लेकिन अब आगे पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मुझे डर है कि जो आलोक मौर्य के साथ हुआ है वह मेरे साथ भी ना हो जाए। वैसे इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। अन्य खबरों के लिए विजिट करें thepublicexpress.com।